हाय माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिलप्रीत और आज हम बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो फिल्म किया हुआ है और अश्वगंधा का हाइट से क्या कनेक्शन है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो फिल्म किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन विद द साइड इफेक्ट्स ऑफ अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा का नंबर वन साइड इफेक्ट है, अश्वगंधा को लो बीपी पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक हर्ब मानी जाती है। एडेप्टोजेनिक का मतलब होता है ये हमारी स्ट्रेस को रिमूव करती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को डाउन लेके जाती है और हमें मेंटल कामनेस प्रोवाइड करती है। तो जब हम कोई भी ऐसी हर्ब खाएंगे तो हमारे बीपी को भी डाउन कर देगी, और अगर आपका बीपी पहले से ही बहुत डाउन रहता है तो आपका बीपी और ज्यादा डाउन हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, विच इज वेरी डेंजरस फॉर वंस हेल्थ। तो आपको अगर बीपी डाउन रहता है तो आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर टू पे है कि डायबिटीज वाले पेशेंट को भी अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट एक तो डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे होते हैं और साथ में ही उसके साथ में ये कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, और साथ में ही अश्वगंधा जो है ब्लड शुगर लेवल को भी डाउन लेके जाता है ड्यू टू इट्स एडेप्टोजेनिक क्वालिटी। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर थ्री भी है, थायराइड पेशेंट को भी अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा जो है थायराइड लेवल को इंक्रीज कर देता है, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन को भी टारगेट करता है। तो थायराइड पेशेंट के लिए अश्वगंधा का सेवन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, और अगर आपको थायराइड है तो आप भूल के भी इसका सेवन ना करें। नंबर फोर्थ भी है कि अश्वगंधा खाने से स्लीपीनेस फील हो सकता है, आपको ड्राउजीनेस फीलिंग हो सकती है, ये हमें बहुत कामनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करता है, तो आपको थोड़ा नींद जैसा लगेगा। तो जब भी अश्वगंधा का सेवन आपको करना है, आपको रात के समय सोने से पहले इसे करना है ताकि आपको नींद अच्छी आए। लेकिन अगर आपको ज्यादा ही ड्राउजीनेस फील होने लग जाए तो इसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए और इसको अल्टरनेटिव डेज पे ही लीजिए, और अगर फिर भी आपको ये साइड इफेक्ट इस तरह का महसूस हो रहा है तो इसे कुछ दिनों बाद ही ट्राई करिए और कुछ गैप देके इसे ट्राई कर सकते हैं। नंबर फाइव भी है, अश्वगंधा को प्रेगनेंसी के टाइम पे और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी नहीं लेना होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसे इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि ये आप जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी इसे लेना अच्छा नहीं माना गया है। देन नंबर सिक्स वी हैव कि अगर आपको किसी भी तरह की स्टमक अल्सर है या फिर स्टमक इरिटेशन होती है तो भी आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अश्वगंधा की जो प्रकृति है वो गर्म होती है। तो अगर आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है या आपको अल्सर की प्रॉब्लम है या पेट में किसी भी तरह की समस्या है तो आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। नंबर सेवन भी है, अगर आपको किसी भी तरह की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है या आपको स्टमक ब्लोटिंग रहती है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, स्टमक अपसेट रहता है, तो आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका स्टमक पहले से ही अपसेट रहता है उनके लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। नंबर एट भी है कि ये देखा गया है कई लोगों को अश्वगंधा खाने से बुखार चढ़ जाता है, तो अगर आपको बुखार चढ़ गया और बुखार ठीक भी नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर नाइन वी हैव एलर्जिक रिएक्शन, अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो गया, आपके स्किन पे रैशेज हो गए हैं, आपकी स्किन लाल हो गई है या फिर आपको इचिंग हो रही है अश्वगंधा खाने के बाद, या आपको किसी भी तरह का अन्य साइड इफेक्ट नजर आने लगा है, तो भी आप अश्वगंधा का सेवन इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। नंबर टेंथ वी हैव सर्जरी, अगर आपने कोई भी तरह की सर्जरी करवाई है अपनी बॉडी पे तो आपको कोई भी मेडिकेशन अपनी डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए, सर्जरी के तुरंत बाद आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 11, अगर आप पहले से ही मोटे हैं और आप हाइट बढ़ाने के लिए अश्वगंधा यूज कर रहे हैं तो आपका वजन और बढ़ जाएगा, क्योंकि अश्वगंधा हाइट के साथ साथ वेट भी इंक्रीज कर देता है, और बेसिकली इसे यूज ही वेट इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप पहले से ही ओबीज हैं और आप अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो आपका वजन और बढ़ जाएगा, तो ऐसे टाइम पे भी आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स, और इन साइड इफेक्ट्स के अलावा अगर आपने कोई और अन्य साइड इफेक्ट्स भी फेस किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आप काफी लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। सो टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।